Wow, nice shoes. No shoes, it's chocolate. दोस्तों नमस्कार, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। मुझे पता नहीं कि आज हम लोग क्या करेंगे, पर जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपने ट्यून इन कर लिया है दुनिया का सबसे बेस्ट, क्यूट, पॉजिटिव एंड हैप्पी यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज हमेशा मेरे कमेंट बार में क्वेश्चन होता है कि आपने कौन सी लिपस्टिक पहनी है, कौन सी लिपस्टिक पहनी है। सो मैं अपने साथ लेके आ गई हूँ। एक्चुअली यूजली ज़्यादातर क्या होता है कि जब मैं लिपस्टिक पहनती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। लाइक पहले मैंने कोई लिपस्टिक पहनी, मुझे अच्छी नहीं लगी, उसको मैंने डार्क पाउडर के साथ सेट कर लिया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, देन मैंने कोई और लिपस्टिक पहन ली। सो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों मेरे लिए बताना कि कौन सा लिप कलर है। पर आज मैंने एक ही लिप कलर पहना है, जो कि है ये कैटरीज कॉस्मेटिक का, और ये है अल्टीमेट मैट लिपस्टिक और इसका नंबर है 090। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंकिश, नूडिश और मॉवी का इनका शेड है। अब देखिए ये कैसा लग रहा है, हमारी स्किन टोन पे अच्छा लगता है। पर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको सेट कर लिया पाउडर के साथ, वो इसलिए क्योंकि ये बोलने के लिए तो मैट है बट इतना ज़्यादा मैट नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मैट लिप्स अच्छे लगते हैं, ये थोड़ा सा क्रीमी है। अगर आप सामान्य जिसके लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आविष्कार है, सो आपको अच्छा लगेगा। पर मेरे एक्चुअली मेरी स्किन ऑयली है तो मेरे लिप्स उतने ड्राई नहीं रहते हैं, सो मुझे बहुत ज़्यादा मैट फिनिश अच्छी लगती है। सो दैट्स इट फॉर द डे। और आज हम लोग थोड़ा सा करेंगे किताबी ज्ञान आपके साथ शेयर। सो आज के किताबी ज्ञान में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इकार्ट टॉल की द पावर ऑफ नाउ। ब्रिलियंट किताब है अगर आप समवन है जिसे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है। अगर आप समवन है जिसे स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये किताब आपके लिए नहीं है। पर अगर आप इच्छुक हैं कि क्या है ये, सो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन, यू नो, अंदर की जानकारी चाहिए तो दिस इज़ अमेजिंग बुक। एक्चुअली अगर आपको इस बातों में इंटरेस्ट भी नहीं है तब भी आप कोशिश करिए पढ़ने की, ये वन ऑफ द बेस्ट स्पिरिचुअल बुक है जो अवेलेबल है बाजार में। सो प्लीज़ इस किताब को पढ़ें। हम कोई रैंडम पेज खोलेंगे और उस पर थोड़ी सी, ये मेरे ख्याल से ये एक्चुअली तीसरी किताब थी जो मैंने पढ़ी थी। और आप जानना चाहते हैं मैंने कितनी किताबें ऑलरेडी पढ़ ली हैं, एक्चुअली मैंने नोट करके रखी है। सो मेरी इस साल की प्लानिंग थी कि इस पूरे साल में मुझे 20 किताबें पढ़नी हैं। सो मैंने ऑलरेडी नोट करके रखी है मैंने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, लेट मी चेक। ओके, मैंने 13 किताबें ऑलरेडी पढ़ ली हैं और 4 मैं फ़िलहाल में पढ़ रही हूँ। सो कितनी हो जाएंगी टोटल, और 13 और 4 हो गए 17। सो 3 और किताबें पर वो मैंने ऑलरेडी खरीद के रख ली हैं। एक्चुअली एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बातचीत करेंगे, जो मैंने बुक्स ऑलरेडी पढ़ ली हैं उससे मैंने क्या सीखा है, वो आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। पर आज ये फ़िलहाल में एक सरप्राइज पन्ना खोलते हैं और पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। ओके, सो जो मैंने पेज खोला है उसमें लिखा है कनेक्टिंग विद द इनर बॉडी, और लिखा है कि अपने अंदर की बॉडी के साथ कनेक्ट करें। बहुत ही अच्छा है, दैट्स वेरी अमेजिंग कि कितना अच्छा पेज खुला है। कुछ लाइंस पढ़ती हूँ आपके लिए। इसमें लिखा है प्लीज़ ट्राई इट नाउ, यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू क्लोज योर आइज फॉर द प्रैक्टिस, लेटर ऑन व्हेन बीइंग इन द बॉडी हैज़ बिकम नेचुरल एंड ईजी दिस विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी। सो उन्होंने कहा है कि अपनी बॉडी को, बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन करें, अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर जाने की कोशिश करें। आंखों को बंद करके अंदर जाते हैं जब हम मेडिटेट करने के लिए, जो वो समय हम हमारे साथ स्पेंड करते हैं प्रैक्टिस के साथ वो इतना ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा कि एक ऐसा समय आएगा जब आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट योर अटेंशन इन टू द बॉडी, फील इट फ्रॉम विद इन, इज इट अलाइव, इज देयर लाइफ इन योर हैंड्स आर्म्स। बहुत ही गलत समय पे मेरे कैमरे की बैटरी डाई होगी। सो हम थे कि जब आप अपने अंदर जाके फील करते हैं कि आप अलाइव हैं और क्या आपके हाथों में, आर्म्स में, लेग्स में एनर्जी है, क्या वो ज़िंदा है, आपकी चेस्ट, आपका एब्डोमेन क्या चल रहा है अंदर, उन सारी चीज़ों को फील करना लाइक मेडिटेशन करना। क्या आप वो सटल एनर्जी फील करते हैं जो पूरी आपकी बॉडी में वाइब्रेशन देता है, जो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, वो एक सटल सी एनर्जी आपको फील हो रही है। अपने इनर बॉडी पे इतना फोकस करें कि आप ये सारी चीज़ों को फील कर पाएँ, और इन चीज़ों को फील करें, इनके बारे में सोचना या थॉट्स क्रिएट करना कोशिश मत करें। पर अगर आपसे ये थॉट्स शुरू हो जाते हैं, लाइक हम सोचने लगते हैं ओ माय गॉड ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है,
तभी उसको स्टॉप करके फिर से फील करना शुरू कर दें, अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखें, करने की कोशिश करें, जो बहुत मुश्किल है पर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप इसको अटेंशन देंगे, जितना आप इसको फील करेंगे, वो उतना ही क्लियर स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। इट विल फील लाइक एवरी सेल इज बिकमिंग मोर अलाइव। डरा दिया बंदे ने मुझे। ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक और हर एक सेल की एनर्जी आपको फील होगी। एंड इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल सेंस, योर बॉडी मे फील लाइक बिकमिंग ल्यूमिनस, बट दिस इमेज वोंट हेल्प यू विद योर मेडिटेशन। पे मोर अटेंशन टू द फीलिंग देन टू द इमेज दैट मे अराइज। सो अगर आपकी जो विजुअल सेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा मेडिटेशन में। जो फीलिंग है वो ज़्यादा हेल्प करेगी। वो जितनी भी खूबसूरत और जितनी भी पावरफुल हो, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसकी एक फॉर्म है जो कि आपको अपनी बॉडी में और ज़्यादा डीपली जाने में हेल्प नहीं करेगी। सो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है फीलिंग पे। आई एम नॉट वेरी श्योर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग है मेडिटेशन के साथ। अगर आपने कभी भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यू नो, जब मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मेडिटेट करती हूँ लेट के, क्योंकि वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि जब आप लेटते हैं तो आपने पूरी अपनी एनर्जी को छोड़ दिया है और आप फील करते हैं कि आप बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। और जब आप इतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा मस्त हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके हैंड्स में एनर्जी है, आपकी टांगों में एनर्जी है। सो वो मेडिटेशन जो टीचर है वो गाइड करता है कि अपने दिमाग में सोच के सारी एनर्जी को अपने पैरों में लेके जाएं। सो जब आप फील करते हैं कि वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है आपके पैरों की तरफ, वो जो टिंगली सेंसेशन आपको फील होती है वो बहुत ब्रिलियंट है। सो ये बातें जितनी भी मैं बताती जाऊँगी, आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा या समझ नहीं आएगा। सो ये सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस के साथ। जितना ज़्यादा ये चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये जो सारी चीज़ें आप सोचते रहते हैं, ये फालतू की चीज़ें, ये एक्चुअल में मैटर ही नहीं करती हैं। सो प्लीज़ मेडिटेशन करने की कोशिश करें। आज का जो ये बुक ज्ञान है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, पर मुझे लगता है मैं थोड़ा एडिट कर दूंगी, सिर्फ वही चीज़ें रखूंगी जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो अगर आप समवन है जो मेडिटेट करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बार में ज़रूर बताएं। और अगर आप हैं जो कोशिश करने वाले हैं या ट्राई करने वाले हैं, या मेरे कहने पे आपने ट्राई किया है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। ये आपको हेल्प करेगा खुश रहने में, पॉजिटिव रहने में, काइंड रहने में और हम्बल रहने में। सो या दैट्स दैट। कोई मुझे लगता है कुरियर आया है, मैं देख के आती हूँ। सो लेट्स गो। तो पैकेज आया है मुझे, मैंने ऑलरेडी खोल लिया है। टड़ा, आई गेस ये है, कहाँ से, डर्मा ब्लेंड, क्या है ये, मीडियम कवरेज फाउंडेशन, ओके। सो दो फाउंडेशन है, ओके। और क्या है, खूब सारा पेपर है, ओह, एंड लूज पाउडर है। ओ माय गॉड, डर्मा ब्लेंड का ये लूज पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मैम, आई रियली लाइक इट। लेट मी चेक कौन सा शेड है ये। ओह, ये लूज सेटिंग पाउडर है, ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। थोड़ा फाउंडेशन के शेड्स देख लेते हैं। एक तो है हनी, एक है चेस्टनट। जब भी कोई फाउंडेशन के शेड आते हैं तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है कि कलर नहीं मैच हो। तो सो थैंक यू डर्मा ब्लेंड फॉर सेंडिंग योर मेकअप, थैंक यू डर्मा ब्लेंड पीपल। आई गेस ये मैच करेगा, ओके। ये है हनी, हनी डब्ल्यू, ओके। अब मुझे टेस्ट भी करना पड़ेगा, ओके। एक्चुअली शेड्स अच्छे हैं, पर ये दोनों शेड्स को मिला के परफेक्ट शेड बनने वाला है मेरा, बट दैट्स गुड। पर इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और कोई स्मेल भी नहीं आ रही मुझे। यू नो, फाउंडेशन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो। ओ गॉड, ये तो बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। ओ माय गॉड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। सो या, ट्राई करेंगे ये हम लोग। और या, दैट्स इट फॉर नाउ। हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, और कंटिन्यू रखें आप अपने दिन के साथ और मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। मैंने क्या किया है, वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दिया है, और 3 बज चुके हैं। अब समय हो गया है हिम्मत को लाने का, और मैं जा रही हूँ लेने के लिए उसको, और उसकी ये जेली गमी बियर्स खा रही हूँ मैं। सो लेट्स गो पिक मिमी अप। व्हाट यू वांट टू ईट, टेल मी। यू चूज़। यू कैन ईट रोटी एंड एगी, रोटी एंड सब्जी, परौंठी, राइस एंड दही। मुझे कह रहा कि चूज़ करो कि मैं क्या, मुझे क्या क्या खिला सकते हो तुम, और मैं बता रही हूँ और कह रहा कि तुम रहने दो, मैं खुद ही चूज़ करता हूँ। ओके चूज़ रोटी एंड एगी, ओके।
सो मम्मा खाएगा परौंठी एग्गी के साथ, नो सब्जी। एंड सो बस से उतर के बोल रहा है कि सबसे पहले पार्क में चलते हैं। मैंने कहा कि तुम थक के आए हो, थोड़ा खा लो फिर पार्क चलते हैं। देन ही सेड कि नहीं, फिर सनी नहीं रहेगा, एक्चुअली बाहर बहुत अच्छा वार्म है, पर हम दोनों जल्दी से खा के पार्क जाएंगे। ओके मीमी, जल्दी जल्दी खा के फिर पार्क चलाएंगे, ठीक है? गुड जॉब। ओके दोस्तों, तो मैं और हिम्मत पार्क में आ चुके हैं और पार्क में ऑलरेडी पानी चल रहा है और कुछ बच्चे पानी से खेलना शुरू भी कर दिया और हिम्मत को एक दोस्त मिल गया, मुझे लगता है वो उसका क्लासमेट है, तो वो दोनों प्ले करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। एक्चुअली हिम्मत उस पार्क में जाना चाहता था जो हमारी स्ट्रीट में है, पर वो मुझे छोटी सी लगती है और मुझे लगा कि यहाँ पर चलते हैं, बड़ी मुश्किल से उसे लेके आई हूँ और जो स्पेसिफिक राइड उसको चाहिए थी वो यहाँ पर है नहीं। मैंने उसे कहा कि यहाँ पर है बट वो यहाँ पर है नहीं, पर यहाँ हमने उसको दोस्त मिल गया है, उसके साथ प्ले कर रहा है। सो कुछ समय हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, देन हम लोग जाएंगे घर। अभी तक डिनर में क्या बनाना है मैंने सोचा नहीं है। सो या दैट्स फॉर नाउ गाइस, हम लोग प्ले कर रहे थे और यहाँ पे एक सीट पे बैठा मुझे एक बंदा दिखा है, ऐसा लग रहा है इसे मैंने कहीं देखा है। लेट मी शो इट टू यू गाइस, ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको, उसे पता होना चाहिए। गाइस, तो मैंने पहचान लिया इस बंदे को, ये हमारे घर में ही रहता है। I'm a treasure. So yeah, ये भी आ चुके हैं पार्क में और हिम्मत थोड़ा प्ले कर रहा है उससे दोस्तों के साथ और यहाँ हम थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करेंगे ये गरम गरम वेदर, देन वी विल गो होम। सो हस्बैंड कर रहे हैं वीड क्लीन हमारे गार्डन में से और इसके बाद हम लोग करेंगे गार्डन में फूड, लॉन का फूड स्प्रेड करेंगे। देयर ही इज, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड दिस गाय सेड मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना है, तो ये झाड़ू फेर रहा है। यू वर्किंग वेरी हार्ड हिम्मत, लुक। ओके प्यारे दोस्तों, तो हमने काफ़ी समय बाहर स्पेंड किया, मेरे हस्बैंड अभी भी वीड को क्लीन कर रहे हैं और मैंने लॉन में फूड डाल दिया है आगे और पीछे दोनों साइड और मैंने अभी हैंड वॉश कर लिए हैं और मैं डन हूँ। अब हम करेंगे बारबेक्यू आज के लिए और बारबेक्यू खाने के बाद यस देन वी आर डन फॉर द डे। डैडी व्हाट्स गोइंग ऑन डैडी, मैंने इसमें मशरूम भी रख दिए हैं सेम मैरिनेशन में। वाओ, नाइस शूज। ओह सॉरी, नाइस चप्पल। यू लाइक इट? आई वांट वन लाइक दिस टू। Can you get a big one for Mama? Mimi, stay away from this hot one. आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर आपने किया है तो आपको पता क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि उसी से आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। मेरे चैनल पे जो बेल का आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें ताकि हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। एंड मैं मेरे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा मेकअप से रिलेटेड कॉन्टेंट को अपलोड कर, आई होप आप वो इंजॉय करेंगे और इस वीडियो को 2000 लाइक दें। इतने सारे काम हैं आपके पास करने के लिए, 2000 लाइक दें तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। मैं मिलूंगी जल्दी ही फ्यूचर में, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ओके गाइस, बाय, लव यू।